फेस पे सुसु किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात यह है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं। गुंडे हैं भाई ये लोग। आज मेरा दिल बहुत दुखी और बहुत शौक हूँ भाई मैं। फ्लाइंग बी स्टार अंकित बैनपुरी काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था रजत दलाल के ऊपर, क्योंकि रजत दलाल ने 18 साल के लड़के को इसलिए मारा पीटा है क्योंकि उसने अपने स्टोरी में रजत दलाल को ट्रोल कर दिया था। इस चीज को लेकर काफी ज्यादा रजत दलाल को हेट मिल रहा है। एंड पर इस चीज पर रिएक्ट करते हुए अंकित बैनपुरी ने बोला, आप कहां गई फ्रीडम ऑफ स्पीच। और इस पर फ्लाइंग बी स्टार का भी रिएक्शन आया था और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था उन लोगों के ऊपर भी जिन लोगों ने भी रजत दलाल के साथ कोलैब वीडियो बनाया है, जैसे कि फुकरा इंसान और थगेश और समय रैना, तीन सारे लोगों के ऊपर भी वो गुस्सा हो गए थे। तो उन्होंने इस बारे में क्या कहा, आप लोग देखिए। सॉरी मैं इन सब चीजों के बारे में बात थोड़ा कम करता हूँ, बट मैंने अभी न्यूज़ चैनल्स होते हैं तो न्यूज़ देखी कि किसी एक बंदे ने जिम में रील बनी थी तो उसको पसंद नहीं आया, वो उठा लिया, फेस पे सुसु किया, मारा, एबडक्ट कर लिया। और शर्म की बात ये है कि कुछ बड़े क्रिएटर्स उसके साथ कोलैब कर रहे हैं कंटेंट के लिए। गुंडे हैं भाई ये लोग, इनको बॉयकॉट करना चाहिए, सोशल मीडिया से हटाना चाहिए। हम उनके साथ कोलैबोरेट कर रहे हैं, मुझे बहुत शर्म आई है। इसके बारे में पहले कभी बात नहीं की क्योंकि जो क्रिएटर्स कोलैब कर रहे हैं वो अपने मित्र भाई हैं, तो अच्छा नहीं लगता कि समझ लो, बट बहुत गलत चीज़ है। मैं खुल के बोल रहा भाई, सारे व्यूज़ चैनल सब यहीं रह जाएगा, जब ऊपर जाएंगे तो ये लेके नहीं जाएंगे, ऊपर अपने कर्म लेके जाएंगे। और ऐसे कर्म लेके जाएंगे तो भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे भाई, ये मुझे नहीं पता। बहुत बहुत ज़्यादा शौक में हूँ मैं कि ये कहाँ पहुँच गए हम। हम गुंडों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं और जब वही हमारे परिवार में होता है तो हमें तब समझ में आता है कि यार ये तो हमारे परिवार हमारे साथ ऐसा हो गया। और जितने भी गुंडे हैं ये सब हिंदू धर्म के वो बन रुक चुके हैं, आजकल फेस बन चुके हैं और सारे गलत काम ये करते हैं। पंच महापाप होते हैं हिंदू धर्म में, हिंसा, हत्या, परस्त्रीगमन, शराब पीना, द्वित कीड़ा, जुआ खेलना और चोरी करना, और सारे ये सब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं और अपने आप को बताते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। पंच महापाप करते हुए भी ये अपने आप को ग्लोरीफाई करते हैं। मतलब मैं बहुत टाइम से मैं देख रहा हूँ, कभी कुछ बोला नहीं मैंने, क्या बोलूँ, हम उस लायक नहीं है कि लोगों को ज्ञान दें, हमें खुद ही कुछ नहीं पता। लेकिन आज मेरा दिल बहुत दुखी और बहुत शौक हूँ भाई मैं। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप लोग कमेंट में अपना अपना राय जरूर से बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी यूट्यूब कम्युनिटी से जुड़े रहने के लिए।